अस्सलाम वालेकुम। साबूदाने का खीर बना रही हूँ। ये दूध उबालने को चढ़ाई हूँ और ये साबूदाना भिगा के रखी थी। 1 घंटे हो गए ऐसे भीग के हो जाते, 1 घंटे हो गए भीग के। ये मैंने 1 लीटर दूध ली हूँ। एक उबाल आएगा तो इसमें डाल देंगे। इसमें उबाल आ गए, अभी ये डाल देंगे इसमें। तो चलाएंगे ना तो गुठली हो जाएगी। चलाते रहेंगे। इधर नेनुआ की सब्जी चढ़ाने जा रही हूँ, इसमें तेल डालेंगे। ये नेनुआ काट के मैं रखी हूँ। ये कांदा और लाल मिर्ची है, इसमें डाल देंगे। ये कांदा लाल हो गया है, दिख रहे? कांदा लाल हो गया है, इसमें डाल देंगे तुरई। थोड़ा सा इसे चला देंगे, थोड़ा गलने देंगे तो नमक डालेंगे क्योंकि इसमें पानी छिड़ता है ना। फिर लाल मिर्ची, कांदा और फोरन डालेंगे और ये अपना साबूदाने का खीर। थोड़ा टाइम के बाद इसमें मिर्च डालेंगे। थोड़ा सा कम हो गया सब्जी, इसमें डाल देंगे नमक, नहीं तो अच्छे हिसाब से क्योंकि इसमें पानी छूटता है, एकदम गल के कम हो जाता है। इसको ढक देंगे। गैस कम कर देंगे ना तो जल जाएगा। ये थोड़ा सा और खीर को पकाएंगे, फिर मिल्क मगर डालेंगे इसमें। अभी इसमें मिल्क मगर डाल देते हैं, जितना आपको मीठा चाहिए। ये मैं घर में बनाई हूँ मिल्क मेट। घर में बना के रखेंगे ना अच्छा टेस्ट आएगा। फिर इसको थोड़ा देर पकने देंगे। इधर सब्जी भी पक रही है अपनी। इसको भी पकने देंगे। थोड़ी सी इसमें इलायची पाउडर डाल देंगे, अच्छा खुशबू आएगा। थोड़ी सी डालेंगे। देखो पक गई खीर अपनी। बंद करती चूल्हा। जितने देर में मैं आटा सानी हूँ उतने देर में खीर पक गया, भाजी पक गया। निकालते इसको। देखो सब्जी खीर साबूदाने की बन गई। इसमें ड्राई फ्रूट भी डाल सकते लेकिन मुझे नहीं अच्छे लगते हैं साबूदाने की खीर में, इसलिए मैंने नहीं डाली। आपको पसंद है तो आप डाल सकते हो सब्जी। अभी चलते रोटी बनाने, फिर रोटी के साथ खाएंगे। आपको अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो।